हाय फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति के नाम बताइए। ठीक है, सेनापति का नाम बताना है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना का। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जिसने पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था, वही एक अरब सेना का सेनापति था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। सुल्तान महमूद गजनवी जिसे बोलते हैं, तो वो गजनी का शासक था। इसके पिता का नाम क्या था? सुबक्त गीन, याद रखिएगा। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो 1191 ईस्वी में पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और जब 1192 ईस्वी में दूसरी लड़ाई हुई थी, तो पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हराया था। इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के दिल्ली क्षेत्र खोल दिए गए थे? मतलब जब मोहम्मद गौरी जीत गया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, तो वो दिल्ली में उसने अपना अधिपत्य स्थापित करने के लिए अग्रसर हो गया था। 1206 में उसकी मृत्यु ही हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को वो अपना सारा साम्राज्य सौंप कर चला गया था। तो तराइन की द्वितीय लड़ाई इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध के 6 के बीच लड़ा गया। देखिए, वही रिपीट कर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान और सारे पूछे गए क्वेश्चन के बीच लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, पहली बार जो उसने हराया था, किसने हराया था? तो जो आपका भीम बघेल था, बघेल भीम था, उसने हराया था पहली बार। ठीक है, कैदरा पर्वत पर अपनी माँ और विधवा माँ और अपने भाई के साथ। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बघेल भीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं किया गया है? सुल्तान महमूद को सोमनाथ लूटना बता दिया गया, तो इसका मिलान तो बिल्कुल सही किया गया है, पूछा गया है, तो ये तो मिलान बिल्कुल सही है। मोहम्मद गौरी ने सिंध पर विजय, गलत है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल विद्रोह, मोहम्मद बिन का चंगेज खान आक्रमण, ये बिल्कुल चार तीनों गलत हैं, पहला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब आरंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत बोल लेते हैं। तो जब मोहम्मद गौरी जो था 1206 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई थी, तभी से वो स्टार्ट हुआ था। तो 1206 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज किया था? इनमें से बताना है, गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, सैयद वंश ने, खिलजी वंश ने, या गोरी वंश ने? तो निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज, यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन छुप गया है, राज नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, राज नहीं किया था, क्योंकि तीन ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जिन्होंने किया था, नहीं किया था देख लीजिएगा, तो गोरी वंश ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के कलाक्रम को लिखिए, तुगलक, लोदी, सैयद, इलबारी और खिलजी वंश। देखिए, इलबारी वंश या फिर गुलाम वंश एक ही था, तो सबसे पहले आपका इलबारी वंश आ जाएगा। तो ऐसे ही ऑप्शन ही से देख लीजिए, सीधे सीधे चौथा पहले इसी में है, तो आप देख सकते हैं इलबारी वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोदी वंश, फिर सैयद वंश आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली का कुतुब मीनार किस शताब्दी में बनाया गया था? तो ये आपका जो बनाया गया था 13वीं शताब्दी में बनाया गया, क्योंकि इसका निर्माण तो स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी में। लेकिन 13वीं शताब्दी में इसलिए बोला जाता है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुँची थी,
जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर दो और मंजिलों का भी निर्माण कराया था, इसलिए 13वीं शताब्दी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था जो टोपी सीकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? देखिए, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान की अगर बात करी जाए तो वो इल्तुतमिश था। पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन प्रभुता संपन्न क्योंकि इसने बहुत काम किए थे, एकता प्रणाली चलाई थी, चहलगामी काफ़ी इसने काम किए थे मेन मेन, तो उसी ने, और दिल्ली को राजधानी भी बनाया था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का, ये तो हो ही गया आपका। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? सेम देखो वही है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था क्वेश्चन पूछा गया है, तो इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये भी इल्तुतमिश था, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया था और नियमित मुद्रा जारी किए थे दिल्ली को अपने साम्राज्य, यही आपका इल्तुतमिश था। चंगेज़ खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो भारत की सीमाओं पर जो आक्रमण किया था चंगेज़ खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए, तो इल्तुतमिश के समय में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबल एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? अगर विनाश के श्रेय का बात करें तो बलबन को दिया जाता है, बनाने का श्रेय दिया जाता है तो इल्तुतमिश को। तो यहाँ पे विनाश पूछा गया है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, बलबन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन जो किया था वो बलबन जो था उसने अपने शासनकाल में किया था। चिहलगानी या फोर्टो फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने का वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो भंग करने वाला जो था वो आपका बलबन ही था चिहलगानी को। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो अल्तमस या इल्तुतमिश की बेटी थी, क्योंकि उसका एक पुत्र था बड़ा वाला जो ख़त्म हो गया था, बाकी के पुत्र बहुत ही बेकार थे शासन के लिए, तो उसी ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासन पर बैठाया था। 1236 से 1240 रजिया सुल्तान का समय था, तो ये जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो आज के लिए मध्यकालीन भारत से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके इतने ही हैं, और आगे इसी तरीके से सीरीज आपकी आती रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को शेयर करिए, और जो भी आपको वीडियोज़ यहाँ पे मिलेंगी बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। आपके 2019 में जो भी आपके स्टेट लेवल या फिर SSC से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें आपको GS से काफ़ी एजिटेशन होती है कि GS ये लर्न नहीं होती है, क्योंकि हम लोग लर्न करते नहीं। अगर डेली के बेस पे हम 100 से 150 क्वेश्चन लर्न करेंगे तो बिल्कुल आपके माइंड में वो रहेंगे और 4 ऑप्शन में आप बिल्कुल टिक लगा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।